हाथ में हिला दिया जाता था और दर्शक शर्म के मारे आंखें मूंद लेते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल वेब सीरीज और फिल्मों में वो सब कुछ खुलेआम दिखाया जाता है जिसे समाज चार दीवारी के अंदर ही रखना चाहता है। और कुछ OTT प्लेटफॉर्म तो ऐसे भी हैं जो इंटीमेट सीन के अलावा भाभी देवर और जीजा साली जैसे रिश्तों में भी जबरदस्ती का मिठास डालने की कोशिश करते रहते हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर मन में ये सवाल तो उठता ही होगा कि क्या हीरो हीरोइन सच में ये सब करते हैं या फिर सब कैमरे का धोखा होता है। और अगर ये धोखा सच में होता है तो आइए बताते हैं कि ये कैसे होता है। अब आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंटीमेट सीन्स के मामले में काफी अपग्रेड हो गए हैं, जैसे कि आप मेड इन हेवन, फोर मोर शॉर्ट प्लीज और सेक्रेट गेम्स या फिर ऑल्ट बालाजी की गंदी बात जैसी सीरीज और जिस्म मर्डर जैसी फिल्मों में ये देख सकते हैं। हालांकि इस तरह से ओपनली इंटीमेट सीन्स को दिखाना हॉलीवुड में काफी समय पहले से पॉपुलर है, लेकिन अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी इसे ओपनली ले रही है और फिल्में चाहे कैसी भी हों उसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस के डिमांड के हिसाब से इंटीमेसी को दिखाया जाता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके चहेते और एक्ट्रेसेस एंटरटेनमेंट के लिए वो सब कुछ करते हैं जिसे देखकर आप मन ही मन मुस्कुराते हैं, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि असल में कुछ भी नहीं होता, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। ठीक वैसे ही जैसे हीरो के एक लात मारने से गुंडा हवा में उड़ जाता है और एक किक मारने से तूफान आ जाता है। अब ये सब चीजें स्क्रीन पर होते हुए तो आपको दिखती हैं, पर असल में ये इम्पॉसिबल है जिसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है। कुछ इस तरह से इंटीमेट सीन्स को भी सिनेमेटोग्राफी की तकनीक की मदद से इल्यूजन क्रिएट करके दिखाया जाता है और इस तरह के शॉट्स को ब्यूटी शॉट्स कहते हैं, जिसमें तरह तरह से किस, एक दूसरे को हग करना और सेक्सुअल सीन्स भी शामिल होते हैं। ऐसे सीन को शूट करते वक्त कैमरा एंगल को इस तरह से रखा जाता है जिससे आपको लगता है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने, जैसे कि जब तक है जान फिल्म का वो शॉट जिसमें शाहरुख और कैट सर्द मौसम में खुली छत पर ब्लैंकेट में सिमट रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर शॉट में इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, कई सीन्स में हीरो और हीरोइन एक दूसरे के बेहद करीब भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उनकी मजबूरी नहीं होती, सब कुछ उनके कंसेंट से होता है। वो जब फिल्म साइन करते हैं उस वक्त ही उनके कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है कि हीरो या फिर खास करके हीरोइन के शॉट के लिए कितनी कंफर्टेबल है। बड़े बड़े स्टार तो अपने सीन में ओरिजिनलिटी रखने के लिए अपने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जहां चेहरा दिख रहा है उस शॉट को वो खुद करते हैं, लेकिन जहां सिर्फ बॉडी दिखती है वहां उनकी बॉडी डबल इस सीन को पूरा करते हैं। लेकिन 70mm के पर्दे पर आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। अब आप पूछेंगे कि लिप टू लिप किस का क्या है, वो तो असल में ही करते होंगे, तो इसका जवाब है कि जो हीरोइन अपने हीरो के साथ कंफर्टेबल होती है वो तो ये सीन कर लेती है, पर कुछ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल जैसी भी होती है जो एंड टाइम पर लिप टू लिप किस करने से मना की भी कर देती है। फिर डायरेक्टर को ग्रीन बॉल और VFX का सहारा लेना पड़ता है। दो लफ्जों की कहानी के सेट पर डायरेक्टर डिमांड का हवाला देते हुए साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को रणदीप हुड्डा को किस करने के लिए मना ही लेते हैं। ये तो हो गई फिल्मों की बात, लेकिन अगर बात आजकल की वेब सीरीज की करें जिसमें जम के एडल्ट कॉन्टेंट दिखाए जाते हैं, तो उसके बारे में फिल्म डायरेक्टर कहते हैं कि ये मार्केट की डिमांड है, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। बात सही भी है, अब लोग देखते हैं तभी ऐसे कंटेंट तैयार भी किए जाते हैं। वेब सीरीज में भी ज्यादातर टेक्नोलॉजी का कमाल ही होता है, पर न्यू कमर्स के पास अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने की आजादी नहीं होती, उनके लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो करो या फिर साइड हो जाओ। पर वहाँ भी ऐसी समस्या ज्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सभी ओपन माइंडेड और आर्टिस्ट माइंड के लोग होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कहीं और काम नहीं मिला, इसलिए एडल्ट कैटेगरी की फिल्में वो करते हैं, क्योंकि उल्लू जैसी वेब सीरीज की हीरोइन बनने के लिए भी ऑडिशन की लंबी लाइन लगी होती है, और जब उनकी शूटिंग होती है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि एक्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, जिसके बारे में खुद नेहल वडोलिया ने बताया जो ऑल्ट बालाजी की गंदी बात सीजन 3 और मस्तराम जैसी सीरीज में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं, कि बाकी सीन की तरह इंटीमेट सीन को भी डिजाइन किया जाता ताकि सब कुछ आसानी से हो और एक्ट्रेस को कोई दिक्कत भी ना हो। और इस तरह के सीन को शूट करते वक्त सेट पर बहुत ही कम लोग मौजूद होते हैं, और तो और इंटीमेसी सीन के लिए डायरेक्टर इंटीमेसी स्पेशलिस्टों को भी रखते हैं जो कुल मिलाकर इंटीमेट सीन के शूटिंग को रेगुलेट करते हैं। भारत की सर्टिफाइड इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर आस्था खन्ना के मुताबिक पहले पश्चिम तक में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की कोई भूमिका नहीं होती थी, वो तो मीटू आंदोलन और हॉलीवुड के अहम अभिनेत्रियों के बड़े खुलासे करने के बाद 2018 में HBO के पहले शो द ड्यूज के लिए इंटीमेसी कंसल्टेंट शूटिंग के फॉर्मेट में लाया गया था, जिसका काम इंटीमेट सीन से पहले फिल्म के आर्टिस्ट के साथ वर्कशॉप करना, शूटिंग के लिए कुछ नियम तैयार करना, आर्टिस्ट के कम्फर्ट लेवल चेक करना और इसके साथ साथ एक्सपोज सीन के वक्त उनके प्रोटेक्शन क्लॉथ का अरेंजमेंट करना, ताकि स्क्रीन पर भले ही वो आपको इंटरकोर्स करते हुए नजर आए पर बिहाइंड द सीन उनके प्राइवेट पार्ट भी एक दूसरे से टच ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। कुल मिलाकर ऑडियंस डिमांड को देखते हुए 30 सेकंड का मसाला सीन को शूट करने में 4 गुना ज्यादा मेहनत लगती है और आपकी डिमांड के खत्म होने का नाम ले लेती है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी कॉन्टेंट देखो तो सूझबूझ के देखो, नहीं तो उसका आपके दिमाग पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। बाकी आज के लिए इतनी ही जानकारी काफी होगी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी
और सफर में। तब तक के लिए शुक्रिया।